अभी मेरे को पूरे हाई पिक्सल का चक्कर जो है समझ में आ चुका है। चल भाई बर्फ निकाल, जितने भी बर्फ है सारे निकाल दे, और कोई काम चोरी की ना तो यही शवल से मैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा स्नो वाले मंगलू, यही शवल से। और तू यहाँ पे बैठ के आराम से नजारे ले रहा है, बर्फ निकाल चल तेजी में भैंस की। और इसके साथ ही हमारा पेचकश भी गाइस लेवल 48 पर पहुंच चुका है भाई, तू भी बर्फ निकाल, बर्फ निकाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बर्फ वाले मंगलू तो बहुत ज्यादा हार्ड काम कर रहे हैं यार। देख मेरी बात सुन ले, आखिरी बारी जब मैं आया था तो तूने भाव सही नहीं लगाया था, इस बारी सही भाव लगा दे, पेचकश मेरे सामने चमड़ जाएगा तेरे साथ वो। तो चलिए इस बर्फ को भी बेचते हैं। क्या बात है, सिंपल। अगली बार फिर से आता हूँ तेरे को मिलने के लिए। और तेरे को क्या बीमारी है भाई, तेरे को क्या बीमारी है? बर्फ वाले मंगलूस मेरे को रातों रात दिनों दिन मेरे को अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तू दिन दहाड़े मेरे को गरीब बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 500 साल से ऑब्सीडियन निकाल रहा, वो भी गाजर के साथ। मैंने तेरे को जॉब से निकाल देना है, निकाल ही देता हूँ आज को, बिल्कुल जॉब से ही निकाल दो। इधर आ, पूरी जड़ से ही निकाल दो इसको। इसके पास से जो डायमंड निकले हैं लखो पूरे डायमंड चेस्ट के अंदर, ब्रो अगर मैं ये चेस्ट बेचूंगा तो मैं तो भाई मिलियनेयर बन जाऊंगा। और फिगी वाले मंगलू तेरे को भी जॉब से निकालते हैं, तू भी आ। और फिगी वाले मंगलू से जो मेरे को डायमंड्स मिले हैं वो एक बार फिर से ब्रो जाएंगे डायमंड चेस्ट के अंदर। ब्रो दिस इज लुकिंग एपिक ऑलरेडी। अभी किसको जॉब से निकालो, एक काम करते हैं, ये आइस वाले मंगलू जो है ना, एक वो रहा एक ये रहा, इनसे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा। एक काम करते हैं इनको भी जॉब से निकालते हैं यार। आइस आइस बेबी चला तेरी, मैं बहुत संगीतकार बन रहा है मेरे सामने यहाँ पर। देख ब्रो तेरे भाई ने ढंग से किराया नहीं दिया तो उसको मैंने धक्के मार के आइलैंड से बाहर निकाल दिया। मेरे को लगता है कि तुम दोनों भाई एक ही चट्टी पट्टी में खाते हो, तो तू भी आ मेरे साथ। और अभी इनकी जगह पर लगाते हैं ब्रो अपने स्नो वाले मंगलूस। लेकिन सबसे पहले गाइस मेरे को अपनी एन्चेंटमेंट वाली कुल्हाड़ी लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर एफिशिएंसी 6 लगी हुई है, तो ये लेके सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑब्सीडियन तोड़ना पड़ेगा मेरे को। इतनी स्पीड में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ऑब्सीडियन इतना खतरनाक है फिर भी टूट नहीं रहा। तोड़ जल्दी कर, एफिशिएंसी 6 एमी लगा कर रखी है मैंने इसके ऊपर, काम तो करती ही नहीं है ये। और यहाँ पर जो बर्फ लगी हुई है इसको भी फटाफट से, भाई साहब क्या स्पीड है यार एकदम, ओ माय गॉड, एक ही बार में ये भी ले गया। इसको यहाँ पे लगाओ वापस, तू जाएगा यहाँ पर ढंग से काम करियो, और तू मेरे भाई जाएगा यहाँ पर, तू भी ढंग से काम करियो, एक जाएगा यहाँ पर और एक जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। चिकन वाले मंगलू भाई शर्म कर यार, तूने आज तक कभी मुर्गी मारी भी नहीं, ऊपर लिखा भी हुआ है आई कांट रीच एनी चिकन्स। पागल तेरे सामने दो मुर्गियाँ घूम रही है, मेरे को कंकाल करवाने की सोच रहा है तेरे सामने। अबे तेरे सामने मुर्गी घूम रही है बेवकूफ चिकन वाले मंगलू, मारता क्यों नहीं इसको, ये कंकाल करवाने की सोच रहा है, इसको भी जॉब से निकालो यार। अभी मेरे को यहाँ पर गाइस घास को खोदना और यहाँ पर लगाएंगे एक और स्नो वाला मंगलू। अगर मैं इसका लेवल चेक करूं तो इसका लेवल 6 है, और इसको अपग्रेड करने के लिए मेरे को एन्चांटेड बर्फ चाहिए। पागल मंगलू पहले कहां पे था, पागल कहीं के, सारी बर्फ जो मेरे पास थी मैंने चोर बाजार में बेच दी, अब मुझे वापस जाके फिर से वो बर्फ खरीदनी पड़ेगी। देख चच्चू इतनी महंगी बर्फ नहीं बेचते, थोड़ी सस्ती लगा दियो, मेरे को बहुत सारी एन्चांटेड बर्फ चाहिए। तो अगर मैं यहां पे जाऊं और एन्चांटेड बर्फ की प्राइस देखूं तो मुझे पूरा स्टैक खरीदना है 39,000। मैं ये ले। देख ये पीछे वाले एक और नया भैया आया, इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, देर से बात नहीं करता मैं, जा सकूं इसकी प्राइस देखता हूं। तो सबसे पहले एक बार फिर से यहां पर एन्चांटेड बर्फ मुझे अगर पूरी स्टैक बाय करूं तो दोनों के दोनों मिली हुई हैं। ये ले तू भी ले, दोनों के दोनों मिली हुई हैं। ठूस ठूस, ये भी ले, ये भी ठूस ले, ये भी ठूस ले और ये भी ले। तो यस फाइनली पहुंच चुका है द मैक्स लेवल 11 पे, अब ढंग से काम कर लियो। अभी गाइस ये नजारा देख के तो मेरे को एकदम से लग रहा है कि ब्रो हमारा आइलैंड नहीं एकदम नोट छापने की मशीन हो चुकी है, दूर दूर तक स्नो मंगलूज। और आपको बताया कि स्नो मंगलूज जो है एकदम मस्त वाला काम करते हैं। और अच्छा यहाँ पर भी एक क्ले वाला मंगलू है, शिट मैन मेरे को भी एक और स्नो वाला मंगलू लेके आना है। और गाइस स्नो मंगलू लेने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है गिफ्ट, तो मुझे अभी लॉबी में जाके गिफ्ट खोलने पड़ेंगे। हे बैंकर वाले मुंह, सबसे पहले मेरे को पैसे दिए क्योंकि मुझे आज गिफ्ट लेके आने, और 30 मिलियन सारे के सारे बेवकूफ बैंकर ने मेरे को दे दिए और गिफ्ट ये रहे। तो मुझे पता नहीं कितने गिफ्ट लेने पड़ेंगे, काम करते पूरा पूरा स्टैक 4 लाख रुपए के गिफ्ट, और तो पूरा स्टैक मैंने लेकर रखा हुआ है। और अभी मुझे कोई बंदा चाहिए जिसके साथ मैं गिफ्ट खोल सकूं। लॉगी ब्रो क्या टाइम पे एंट्री मारी है मेरी, भाई किधर गया यार ये ले गिफ्ट खोल जो भी मिला मेरे को दे दियो, खोल के ऊपर क्लिक कर, वूहू क्या बात है, और खोल ये ले पूरा टूट पड़ ले, गेम टूट रही है यहां से। तेरे को सिर्फ एक अगर स्नो मंगलू मिला तो मेरे को बताइए, ठीक है? तो गाइस गिफ्ट खोलने का एक फायदा है कि जो भी मेरे को मिलेगा वही चीज लॉगी को भी मिलेगी, मेरे को फिलहाल तो घटिया चीजें दे के रखी है। ए मनुष ठीक तरीके से गिफ्ट
मत कर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। खोल रहा हूँ खेती कर। कौन सारे खोल, अबे 1000 कॉइंस, 400। अरे मेरे को 400 कॉइंस नहीं चाहिए पागल, मेरे को स्नो मंगलू चाहिए क्विक। क्या कर रहा है मनुष्यत वाले शेखर, तेरे को बोला था कि सुबह उठ के पहले सबसे पहले मेरी फोटो देखा कर, लेकिन नहीं, सुबह उठ के ये कार्टून नेटवर्क देखता है। मेरे को क्या दिया, स्नो मंगलू स्किन। अरे मेरे को स्किन नहीं चाहिए मामा, मेरे को स्नो मंगलू चाहिए। अगर लॉगी इन गिफ्टों में से स्नो मंगलू नहीं निकला ना, तो सबसे पहले मैंने पत्थर मार के तेरा टीवी तोड़ देना है। मेरे को लगता है कि अभी सस्ते प्रमोशन का टाइम आ चुका है, अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो शायद स्नो मंगलू यहाँ से निकले। प्लीज गाइस हेल्प अस। ये ले खोल, लॉगी खोल दे, दिल खोल के खोल, दिल खोल के खोल। ये कैसा डायलॉग मैंने मार दिया, दिल खोल के खोल, खोल दे सारे लॉगी। अरे गए सारे के सारे गए, कम ऑन लॉगी, मेरे को गिफ्ट में स्नो मंगलू चाहिए प्लीज प्लीज। एक बच्चा, दो बच्चे, एक गिरा, फाइनल गिफ्ट, come on guys, please, खोल दे, क्या निकला, पटेक्स नो मंगलू, निकल तेरी मनुष्य कहीं के, एकदम से भाग गया, भागने में नंबर 1 ना ये लॉगी। सारा कूड़ा मेरे को देकर रखा है इसने, फेंको फालतू में गाइस, यार लूट ले, फ्री का लूट ले, फ्री में दे रहा हूँ, बिल बांट के खाओ पागलों, बिल बांट के खाओ, और नरकों में जाओगे मिल बन के खाओ। एक काम करते हैं, इस बारी गाइस मैं रेड गिफ्ट्स खोलता हूं, तो रेड गिफ्ट अगर मैं पूरा स्टैक बाय करूं तो 3 मिलियन के गिफ्ट। कमाल लगे, मेरे पीछे पीछे आता रहियो, इस बारी ब्रो रेड गिफ्ट है, 3 मिलियन मैंने खर्च कर दिए, नहीं 30 मिलियन मैंने खर्च कर दिए, प्लीज इस बारी वेस्ट मत करियो। कमाल लगे, कुछ चंगी चीज इसमें से निकाल यार, कमाल खोल दे अब। क्या निकला, 10,000 कॉइंस, ओ माय गॉड, 10,000 कॉइंस, कोल, सारे कोल, क्विक, शर्मा मत, तेरे अपने गिफ्ट हैं, कोल, इसके अंदर हाथ साफ कर लूँ, कोल, अबे हाथ क्या साफ कर रहा है, मैंने तेरे को चपेट मार देनी है, कोल, 1, 2, तेरी मैं खोल इसको, और इसी के साथ ही एकदम से चूना लग गया, और चूना लगते ही लॉगी भाग गया। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको तो पता है कि हम माइनक्राफ्ट हाईपिक्सल के अंदर पूरा अपने बहादुरी से हमने स्पाइडर बॉस को डिफीट किया। आ गया, बहुत ताकतवर है, मेरे को मार देगा, अरे यार मेरे को मार दिया उसने एक ही बार में। उसके बाद गाइस हमने जान पर खेल के जॉम्बी बॉस से लड़े, लोगे ध्यान रखियो जॉम्बी बॉस किसी भी समय आ सकता है, और जैसे पूरा फुल सुपीरियर आर्मर पहन के, और ये रहे मेरे, हेलो, अच्छा नहीं करूंगा, फाइट नहीं करते, अच्छे डॉगीज फाइट नहीं करते, बेवकूफ तेरी भैंस की आंख। और अभी गाइस हमने समन करना हाईपिक्सल का एक और बॉस, जो कि हमें मिला था स्पूकी इवेंट के दौरान। गाइस आपको पता होगा कि हमने कुछ दिन पहले हमें स्पूकी इवेंट किया था, और उसके दौरान हमें मिली थी एक चीज का नाम, जिसका नाम है हॉर्स कैंडल। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉस है, इसको बिल्कुल जंगल के अंदर जाकर हमें समन करना है। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से अपना सुपीरियर आर्मर भी पहन लेता हूँ, और मेरी पिगमैन सोर्ड एकदम से रेडी है, लॉगी तू भी मेरे साथ आ जाइयो, ठीक है, और तथा सुपीरियर आर्मर पहन ले ब्रो, मेरे को पता है तू खतरनाक है, मुझे सुपीरियर आर्मर की जरूरत नहीं है, वो तेरी क्या बात है, चल, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, ओके 1, 2, अबे रुक, मेरे को समझ तो करने देना, ओ मैन ब्रो तेरे पास तो पूरा एंडर ड्रैगन पेट आ चुका तेरे पास, कितने कर लिया तूने, 500 मिलियन का, 500 कितने पैसे हैं तेरे पास, कहाँ से कौन सा बैंक तुमने लोग लूटा है यार, तुम पागलों ने, चल 1, 2, 3 ले, कुछ भी नहीं हुआ, ओके वहां पे लिखा हुआ है यू कैन ओनली समन द हेडलेस हॉर्समैन एट नाइट, तो रात होने वाली है ब्रो, लॉगी अभी रेडी हो जा, अभी इस चौधरी साहब को समन करते हैं, अपने एंडो ड्रैगन पैटिस के ऊपर छोड़, पूरा एंडो ड्रैगन मार दे, उसकी 1.8 मिलियन हेल्थ अभी, अबे क्या हो रहा है, और साथी आ गए हमारे, खबर गाइस इसके लिए, अबे तेरी 150 मिलियन तक की तलवार का फायदा क्या हुआ जो तेरा बिद्दी से, ओ तूने लोगी डिड द मोस्ट 1.5 मिलियन डैमेज तूने इससे किया, ओरे इसके अंदर से और चीजें निकल रही हैं, तेरे को मिला क्या यहां से, ओरे और आ रहे, ओ पूरी फौज आ चुकी है उसकी, होली मोली ये कैसा बॉस है, कम ऑन, मार मार सबको मार, उसने वहां पे गिराया क्या, यहां पे कुछ ना कुछ तो गिराया होगा, क्या कुछ मिला भी नहीं मेरे को, मुझे मेरा स्नो मिनियन मिल गया भाई, मैं जा रहा हूं, तेरी इतनी सारी मेहनत मैंने की, स्नो मिनियन तेरे को मिला, अबे रुक मैं अभी, अबे रुक जा, मेरा स्नो मिनियन था यार। तो गाइस पूरे 3 मिलियन भी गए, बॉस
उसने जो लूट फेंकी थी वो भी गई और पूरा नुकसान हो गया। इतनी बर्फ मैंने बेची वो भी गई और इतने सारे हजारों गिफ्ट खोले वो भी गए। और अगले वीडियो में गाइस मैं पूरा मुकाबला करूंगा गास्ट वाले बॉस का, उसके बाद ब्रो एंड्रो ड्रैगन उसकी मौत आने वाली है। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।